वेलकम टू फूड ऑन योर माइंड। मैं हूं निखिल। आज हम बनाने जा रहे हैं रुक्स। रुक्स के लिए हम लेंगे बटर और फ्लावर। यहाँ पे हम तीन टाइप के रुक्स बनाने वाले हैं, एक व्हाइट रुक्स, दूसरी ब्लॉन्ड और तीसरी डार्क। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम पैन लेंगे, उसके बाद में उसमें बटर ऐड कर देंगे। पहले हमें बटर को मेल्ट होने देना है। जैसे ये मेल्ट हो जाएगा वैसे हमें फ्लावर इसमें ऐड कर देना है। बटर मेल्ट हो गया, अब हम इसमें फ्लावर ऐड करेंगे। हमने 2.5 स्पून फ्लावर लिया। दोस्तों हमारे व्हाइट रुक्स रेडी हो गई है, अभी हम इसे निकाल लेते हैं। अभी हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। दोस्तों अभी हम ब्लॉन्ड रुक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। इसका कलर थोड़ा सा लाइटली डार्क रहेगा। इसके लिए हम पहले बटर ले लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे बटर को अच्छे से मेल्ट होने देते हैं और इसे थोड़ा रेड होने देते हैं। उसके बाद में हम इसमें फ्लावर डालेंगे और फ्लावर को भी थोड़ा सा रेड होने तक हम इसे पकाएंगे। अभी हम इसमें फ्लावर ऐड करते हैं। यहाँ पे हमने 2.5 स्पून फ्लावर लिया, स्टर करते हैं। दोस्तों हमारी जो ब्लॉन्ड रुक्स है वो रेडी हो चुकी है। अभी हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। दोस्तों हमारी व्हाइट और ब्लॉन्ड रुक्स रेडी हो चुकी है, अभी हम डार्क रुक्स बनाएंगे। हमें थोड़ा ज्यादा रेड करना है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बटर रेड होना स्टार्ट हो गया। अभी हम इसमें फ्लावर ऐड कर देते हैं। दोस्तों हमारे रुक्स जो रेडी हो चुकी है, ये डार्क रुक्स है। इसे भी हम बाउल में निकाल लेते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि व्हाइट रुक्स का कलर कैसा है, ब्लॉन्ड रुक्स का कलर कैसा है और रेड रुक्स का कलर कैसा है। दोस्तों आज हमने देखा कि तीन टाइप्स की रुक्स होती है और वो कैसी बनाई जाती है। जो व्हाइट रुक्स है वो बेशमल सॉस में यूज की जाती है, जो ब्लॉन्ड रुक्स है वो वेलुते सॉस में यूज की जाती है और जो डार्क रुक्स है जो जिसे हम रेड रुक्स कहते हैं वो हम एस्पेग्नोल सॉस में यूज करते हैं। अगर आपको कुकिंग के बारे में कोई भी क्वेरीज है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपका सवालों का जवाब जरूर दूंगा। और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।